एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम डिस्कस करेंगे, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे कहा है कि दिसंबर 2021 में जो काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है इसको अनावरण किया जाएगा यहाँ पे। तो काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला ऐसे ही वीडियोज की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे कहा है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है वाराणसी में, इसको दिसंबर 13, 2021 में इसको जो है अनावरण किया जाएगा। तो देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश की जो असेंबली इलेक्शंस होने वाली है, तो उससे पहले करने वाली एक जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ बोला गया है कि कल्चरल पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। खैर, हम लोग थोड़ा सा अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं, तो देखिए पूरे एरियाज में लगभग काफी सारी फैमिलीज है, बहुत ही बड़ी एरिया में यहाँ पे, तो लगभग 400 फैमिलीज को यहाँ से जो है वैकेट किए जाएंगे यहाँ पे। तो काफी सारे एनक्रोचमेंट भी की जाएगी यहाँ पे, जो काशी विश्वनाथ की जो हिस्टोरिक टेम्पल एरिया है यहाँ पे, ताकि इस प्रोजेक्ट को किया जा सके। तो ये प्रोजेक्ट जो है, जो क्वीन ऑफ इंदौर जो बोला जाता है जिसको, जो अहिल्याबाई, इनकी ही एक विजन है। तो इस विजन के वजह से यहाँ पे जो है ये काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है यहाँ प्लान की गई है यहाँ पे। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे अगर देखा जाए, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा यहाँ पे काफी टेम्पल्स या फिर काफी विस्टास भी बनाए गए थे उनके द्वारा गंगा घाट के पास। तो थोड़ा सा अगर प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं हम, तो ये प्रोजेक्ट जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल जो गंगा के घाट में जो है उसको कनेक्ट किया जाएगा, काशी विश्वनाथ को गंगा के घाट के द्वारा। और यहाँ पे एक वॉकवे भी बनाया जाएगा, लगभग 320 मीटर लंबा और 20 मीटर यहाँ पे चौड़ाई होगी उसकी। काफी सारी फैसिलिटीज होगी यहाँ पे, म्यूजियम बनाए जाएंगे, लाइब्रेरीज होंगी, मुमुक्षु भवन जो है यहाँ पे, सेल्वेशन हाउस जिसको बोला जाता है, या फिर काफी सारे यहाँ पे पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके लिए भी सेंटर खोले जाएंगे। पूरे प्रोजेक्ट का जो कीमत है यहाँ पे टोटल 600 करोड़ की यहाँ पे टोटल लागत होगी यहाँ पे। और इस प्रोजेक्ट को जो शुरू किया गया था 2018 के मार्च के महीने में, तो लगभग 300 करोड़ जो है यहाँ पे जो जगह को यहाँ पे खरीदने के लिए यूज किया गया है, उस लैंड को खरीदने के लिए, उसमें काफी सारे बिल्डिंग्स होंगी, टेम्पल कॉम्प्लेक्स होगी यहाँ पे, और काफी सारे कंपेंसेशन भी जो देने पड़ेंगे, जो भी लोगों को खाली करना पड़ेगा उस जगह से, उसके लिए जो है 300 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में भी डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट हिंदू टेम्पल्स जो शिव जी के लिए जो है पूजा की जाती है यहाँ पे, तो ये विश्वनाथ गली जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश यहाँ पे लोकेटेड है। तो वेस्टर्न बैंक ऑफ जो गंगा रिवर उसके बाजू में यहाँ पे ये सेटअप है, और वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे कहा जाता है, वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। और इस टेम्पल के साथ जो है होलकर क्वीन, जो अहिल्याबाई होलकर जो है उनका भी विजन यहाँ पे एसोसिएटेड है। तो काफी सारे टेम्पल्स, विस्टास और ऐसे ही जो तीर्थ स्थल जो है वहां पे उन्होंने गंगा के घाट में शुरू की थी। तो मैप में अगर देखेंगे आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काशी विश्वनाथ इस जगह पे है, अलग अलग जगह पे जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ आप देख सकते हैं उत्तराखंड में, देन नागेश्वर टेम्पल जो है फेमस, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है यहाँ पे, उज्जैन है, देन ओमकारेश्वर है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपको दिख जाएंगे यहाँ पे काफ़ी सारे, त्र्यंबकेश्वर, भीमलेश्वर यहाँ पे, देन श्रीशैलम जो है आंध्र प्रदेश के इस साइड में, रामेश्वरम टेम्पल जो है यहाँ पे तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके में। तो ये सारे जो है ज्योतिर्लिंग है। बिहार में आप देख सकते हैं बैद्यनाथ टेम्पल जो है। तो कभी कभी आपको देखिए ये बिकॉज न्यूज में थी, तो आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो जो भी बॉर्डर एरियाज के आसपास की जो ज्योतिर्लिंग है उनको भी आपको याद रखने पड़ सकते हैं, कि पूछा जा सकता है कि उज्जैन जो टेम्पल है ये कौन से स्टेट में आता है, तो कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, गुजरात
है या महाराष्ट्र है या फिर मध्य प्रदेश है, तो आपको सही आंसर मध्य प्रदेश लिखना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैप बेस्ड स्टडी करनी भी ज्योतिर्लिंग के बारे में काफी इंपॉर्टेंस है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जो भारत के प्रधानमंत्री दिसंबर 2021 में इसका अनावरण करेंगे। तो आशा करते हैं इससे आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।